Hello, good morning students. I'm Rajendra Kumar Nirala from St. Francis High School. I'm going to teach class 4, the lesson 8. What can be fun? What is the lesson? What can be fun? Now the story begins here. This is a story about little American boy, Tom Sawyer. It is from a book called The Adventure of Tom Sawyer, written by Mark Twain. यह एक छोटे से अमेरिकी लड़के की कहानी है जिसका नाम टॉम सॉयर है। यह एक एडवेंचर टॉम सॉयर नामक बुक से लिखा गया है जिसे मार्क ट्वेन के द्वारा लिखा गया था। टॉम अ नॉटी बॉय हु लिव्ड विथ हिज आंट पॉली। टॉम एक नटखट लड़का जो अपनी आंट पॉली के साथ रहा करता था। टॉम सॉयर ले इन द कूल ग्रास एंड लुक्ड एट ब्लू स्काई। टॉम सॉयर हरे ठंडे घास पर पड़ा रहता था, बैठा करता था और नीले आकाश की ओर देखता रहता था। लुक्ड एट द वाइट क्लाउड्स एंड एट ग्रीन माउंटेन्स। वह सफेद आकाश की ओर घूरता रहता और हरे भरे पहाड़ों को देखता रहता था। इट वॉज संडे, देयर वॉज नो स्कूल एंड नो वर्क। ही फेल्ट लेजी एंड स्लीपी। रविवार का दिन था, स्कूल नहीं थी और नहीं कोई कार्य था। वह आलसी और बड़े ही निंद्रालु महसूस कर रहा था, यानी उसे नींद आ रही थी। इट्स हॉलीडे, ये छुट्टी के दिन था। थॉट टॉम हैप्पीली। टॉम खुशी से सोचा है ना कि छुट्टी का दिन है। देन ही रोल्ड ओवर एंड वेंट टू स्लीप ऑन द ग्रास। इसलिए वह घास पर लुढ़कता रहा और घास पर सोता रहा। टॉम इट वॉज हिज आंट पॉलीज वॉइस। टॉम उसकी चाची बुलाई। टॉम आंट पॉली की आवाज़ थी। वेयर आर यू टॉम, तुम कहाँ हो टॉम। I have some work for you, तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ कार्य है। And come and do it, आओ और इसे पूरा करो। Tom heard her, but he did not open his eyes, he lay very still. Tom ने उसकी बात सुनी लेकिन उसने अपनी आँखें नहीं खोली। He lay very still, वह अभी भी पड़ा हुआ था। He said to himself, उसने स्वयं से कहा, परहैप्स आंट पॉली फाइंड मी, शायद आंट पॉली मुझे ढूंढ लेगी। देन आई कैन स्लीप ऑल द मॉर्निंग। आंट पॉली मुझे नहीं ढूंढ पाएगी, तब मैं पूरा सुबह सो सकता हूँ। बट इन ए मोमेंट शी वॉज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू हिम। गड़प सी सेड, वो बोली उठो। एक ही क्षण में, यानी कुछ ही क्षण के बाद क्या था, वह उनके सामने खड़ी थी। टॉम ओपेंड हिज आईज स्लोली। टॉम ने अपनी धीरे से आंखें खोली और चाची को देखा। आई वॉन्ट यू टू पेंट द फेंस। टॉम इट्स अ नाइस ब्राइट डे, ट्राई टू पेंट द होल फेंस टूडे। चाची ने बोला कि मैं चाहती हूँ कि तुम फेंस यानी सारे घेरे को रंग दो। टॉम या आज बहुत सुंदर दिन है, बहुत ही चमकीला दिन है और पूरे फेंस को आज ही, यानी पूरे घेरे को, जो फट्टी का घेरा था या जो भी था, है ना, घेरे को आज ही रंगने की कोशिश करो। बिफोर टॉम कुड रिप्लाई आंट पॉली वेंट अवे। इससे पहले कि टॉम कुछ बोल सकता, आंट पॉली वहाँ से घुसे चली गई। ही लुक्ड एट द फेंस, इट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। वह घेरे पर देखी, वह बहुत ही मजबूत था। देन ही लुक्ड एट द पॉट ऑफ पेंट। तब उसे पॉट ऑफ पेंट यानी रंग का बर्तन दिखाई दिया। ही फेल्ट सैड, वह उदास हो गया, यानी दुखी हो गया। इंजॉय करने का मौका नहीं मिला इसलिए वह दुखी हो गई।
He looked at the fence and it was very strong. Then he looked at the pot of milk. He felt sad. He thought, I will never finish. What a waste of holiday. उसने सोचा कि मैं कभी नहीं पूरा कर पाऊंगा छुट्टी का दिन आज बेकार गया. He dipped the paint brush in the pot of paint and started to work. उसने पेंट ब्रश को पॉट में यानी पेंट के बर्तन में डुबोया और काम करने लगा. Then he had a clever idea. तब उसके पास एक अच्छा सुझाव आया. उसे माइंड में एक अच्छा विचार आया. I'll call Johnny and Ben and all others. मैं जॉनी और पेन को और सभी साथियों को बुलाऊंगा. They can paint the fence. वे लोग इस घेरे को पेंट कर सकते हैं. He smiled and sang and painted. वह मुस्कुराता रहा, गाता रहा और रंगता रहा. Soon his friend Ben walked up to him. शीघ्र ही उसके दोस्त बेन उस ओर आया. There was an apple in Ben's hand and Tom's mouth watered on seeing it. बेन के हाथ में एक सेब था. टॉम के मुंह में उसे देख करके पानी आ गया. Ben looked at him and laughed. Ben उसे देखा और उसका उस पर हंसा. He said, Tom, why does your aunt want you to work on a holiday? उसने कहा कि टॉम, तुम्हारी चेवत चाची क्यों छुट्टी के दिन काम कराना चाहती है? Work? Said Tom. टॉम ने कहा कि काम? This is not a work, Ben. यह काम नहीं है, Ben. This is an art. यह एक कला है. You need the right kind of paint. तुम्हें सही तरीके से पेंट करने आना चाहिए, करने की आवश्यकता है. राइट काइंड ऑफ पेंट एंड राइट काइंड ऑफ ब्रश. तुम्हें सही प्रकार के ब्रश और सही प्रकार के पेंट की आवश्यकता है. ओनली सम पीपल कैन डू इट रियली वेल. केवल कुछ लोग ही इसे अच्छी तरह, सचमुच में अच्छी तरह से कर सकते हैं. आंट पॉली डिडंट अलाउ मी टू डू इट. आंट पॉली ने मुझे करने की इजाज़त नहीं दी. Really, Tom? said Ben. Ben ने कहा कि सचमुच में टॉम? I don't think so. मैं ऐसा नहीं सोचता. Allow me to do this wonderful art. Allow me to do this wonderful art. इस अनोखे आर्ट को मुझे करने की इजाज़त दो. Tom shouted. No, Ben, you can't. नहीं Ben, है ना, तुम नहीं कर सकते हो, टॉम चिल्लाया. My aunt will know at once. मेरी चाची शीघ्र ही जान जाएगी. Come on, Tom. Give me that brush in the pot and I will give you my apple. तब टॉम बोला, सॉरी, तब ये क्या नाम था, बेन, बेन बोला, चलो टॉम, मुझे उस ब्रश पॉट में उस ब्रश को मुझे दो एंड आई विल गिव यू माई एप्पल. तो मैं तुम्हें एक अपना सेब दूंगा. वेल सेड टॉम, यू कैन ट्राई. टॉम ने कहा कि अच्छा, यू कैन ट्राई, तुम कोशिश कर सकते हो. टॉम गेव बेन द पेंट ब्रश एंड टुक द एप्पल. टॉम ने पेंट ब्रश लिया, सॉरी, टॉम ने पेंट ब्रश बेन को दे दिया और उससे एप्पल यानी सेब ले लिया. बेन पेंटेड एंड टॉम एट. बेन बैठा बैठा खा बैठा सॉरी बेन दीवार पेंट किए जा रहा था और टॉम बैठे बैठे सेब खाया जा रहा था. After some time, Tom said, you are doing well, Ben. कुछ समय बाद टॉम बोला, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, बेन. Soon Billy came along. He had his hands in his pockets and he whistled a tune. शीघ्र ही Billy पास में आया. उसके हाथ, उसके पॉकेट में उसका हाथ था. उसने एक विशेष प्रकार का ट्यून बजाया यानी विशेष सीढ़ी बजाई. देन ही स्टॉप. तब वह रुक गया. ही सॉ बेन विद ए ब्रश इन वन हैंड एंड ए पॉट ऑफ पेंट इन द अदर. उसने एक हाथ में ब्रश और दूसरे में ए पॉट ऑफ करने का मतलब ये पेंट का बर्तन देखा, यानी पेंट का जो भी बर्तन था, घड़ा था, वो देखा. Why are you working on a holiday? Billy asked. तो बिली ने कहा, अरे छुट्टी के दिन क्यों काम कर रहे हो? I'm not working, I'm painting, said Ben. Ben ने कहा कि मैं काम नहीं कर रहा हूँ, मैं तो रंग रहा हूँ, मैं दीवार रंग रहा हूँ. Bill came
ओवर एंड लुक्ड एट द फेंस। बिल आगे बढ़ा और दीवार को देखा, यानी उस घेरे को देखा। इट्स नॉट इजी इज इट, इसे उसने कहा, यह आसान नहीं है ना। ओ नो सेड बिल, बिल ने कहा कि अरे नहीं, नॉट एवरी वन कैन डू इट बट टॉम लाइक्स माई वर्क। कोई भी इसे आसानी से नहीं कर सकता है, लेकिन टॉम को मेरा काम अच्छा लगता है। प्लीज प्लीज कैन आई ट्राई टॉम, सेड बिली। बिली ने कहा कि कृपया कर, क्या मैं ट्राई कर सकता हूँ टॉम। टॉम स्माइल्ड, हिज प्लान वॉज वर्किंग वेल। टॉम मुस्कुराया, उसका प्लान अच्छे से काम कर रहा था। नो आई डोंट थिंक सो ही सेड, उसने कहा कि नहीं मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ। आई हैव टू मार्बल्स, सेड बिली। बिली ने कहा कि नहीं, है ना, बिली ने कहा कि मेरे पास दो कंचे हैं। ही टुक देम आउट ऑफ हिज पॉकेट एंड शोड देम टू टॉम। वह अपने पॉकेट से उस कंचे को निकाला, उन दोनों को निकाला और टॉम को दिखाया। दे वेयर बिग ब्लू वंस, वे लोग नीले रंग के बड़े बड़े थे। हियर सेड बिली, यू टेक देम, यहाँ बिली ने कहा यहाँ तुम ले सक, इन सबों को ले सकते हो। टॉम टुक देम एंड सेड थैंक्स बेन, डोंट यू फील टायर्ड, बिली यू कैन ट्राई। टॉम उससे ले लिया और कहा थैंक्स, है ना, बहुत बहुत धन्यवाद। और बेन से कहा कि बेन क्या तुम्हें थकावट महसूस हो रही है। बिली यू कैन ट्राई, बिली तुम अब कोशिश कर सकते हो। यानी बिली भी अब फंस गया, है ना, टॉम की चाल में। लेटर जॉनी केम अलॉन्ग विद अ बॉल एंड सो केम मैनी अदर्स टू। बाद में जॉनी एक बॉल के साथ वहाँ आया, एंड सो केम मैनी अदर्स, और इस प्रकार से बहुत सारे लोग भी आए। ऑल ऑफ देम वॉन्टेड टू पेंट द फेंस, वे सभी जो है उस दीवार को रंगना चाहते थे, उस घेरे को रंगना चाहते थे। प्लीज मे बी ट्राई, कृपया करके क्या हम लोग कोशिश कर सकते हैं, दे सेड, उन लोगों ने कहा। ईच टाइम टॉम थॉट फॉर ए वाइल एंड देन ही सेड यस, प्रत्येक बार टॉम कुछ सोचता है ना, और तब वह कहता हाँ कर सकते हो। बट फर्स्ट दे गेव हिम समथिंग फॉर द चांस टू पेंट, लेकिन रंगने का मौका देने के लिए सबसे पहले उसे क्या दे गेव, कुछ ना कुछ दिया, यानी उन सबों ने जो है उस कुछ ना कुछ उसे दिया है, किसे, यानी टॉम को। एट द एंड ऑफ द डे टॉम हैड ए बॉल, ए बैग ऑफ मार्बल्स, ए क्वाइन, स्वीट्स एंड सम टॉयज। दिन के अंत तक टॉम के पास एक गेंद, मार्बल से भरा झोला, एक सिक्का, मिठाइयाँ और बहुत सारे खिलौने थे। द होल फेंस वाज वाइट एंड शाइनिंग, पूरा दीवार, पूरा फेंस यानी पूरा घेरा जो है सफ़ेद रंग का हो गया था और चमक रहा था। टॉम स्माइल्ड एंड ही थॉट वर्क कैन बी फन, टॉम मुस्कुराया और उसने सोचा कि काम खेल हो सकता है। यस इट कैन बी फन, हाँ यह खेल हो सकता है। वेन अदर्स डू इट, जब दूसरे लोग इसे करते हैं। देन ही स्माइल्ड एंड रन इनसाइड टू शो आंट पॉली, तब वह मुस्कुराया और दौड़ते हुए आंट पॉली को दिखाने के लिए घर के अंदर घुस गया। दैट्स ऑल, हरिओम हरिओम जी, कहाँ हैं जी, बहुत हो गया।